फ्रेंड्स, मैं हूं सिनेमा आजकल और आज मैं आपको अजय देवगन की 9 ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बताऊंगा जिन्हें दर्शकों की मांग पर इंडिया में दोबारा रिलीज करना पड़ा। ये अजय देवगन की लाइफ की सबसे अल्टीमेटेड अवॉर्डेड और बेहतरीन फिल्में हैं। देखिए, अजय देवगन का कैरियर स्टार्ट हुआ था एज ए फूल और कांटे से। पहली फिल्म रातों रात सुपरस्टार, एक्शन के दम पे, एक्टिंग नॉर्मल थी, चेहरा का फेस ओके, ठीक है, एक्शन उनको बहुत। तो 9वें नंबर पे है दोस्तों गोलमाल रिटर्न। ठीक है, ये मूवी गोलमाल फिल्म की सबसे अच्छी मूवी में, गोलमाल 3 से भी बेस्ट। देखो, गोलमाल 1 तो अच्छा ही है लेकिन गोलमाल दोबारा टॉकीज़ में एज ए मल्टीप्लेक्स में रिलीज किया, सिंगल थिएटर में नहीं किया गया। तो गोलमाल उनकी एक फिल्म है, गोलमाल रिटर्न, गोलमाल भी नहीं, गोलमाल रिटर्न को इतना कॉमेडी किया दर्शकों को तो कि उनको ऑल इंडिया लेवल पर दोबारा रिलीज करने का मौका मिला। और एक किसी स्टार के लिए बहुत अच्छी बात होती है। जो उनकी अगली फिल्म है वो है सिंघम। जी हाँ, सिंघम फर्स्ट पार्ट है। सिंघम मूवी भी दोबारा थिएटर में रिलीज की गई क्योंकि ये फिल्म में अजय देवगन का जो बॉडी लुक उक उक, मैं फर्स्ट में जो स्टार्ट करूंगा वो फिल्म ही अलग होगी, आप सस्पेंस बने रहेगा, आपको मजा भी आएगा। सिंघम मूवी तक तो अजय देवगन ऐसी स्टार था लेकिन सिंघम ने उनको वो बूम दिया और रोहित शेट्टी को रोहित शेट्टी को भाई अजय देवगन ने ही चांस दिया ऐसे जमीन मूवी से। विजय पाथडी कैटी लेके मारते हैं, तब्बू एक्शन भी बढ़िया, कबूतरों में ब्लेड, मतलब विजय पथ थी यार। अजय देवगन बहुत लगातार, देखो फूल और कांटे के बाद लगातार फ्लॉप दे रहे थे, ठीक है, उनका बूम विजय पथ से पकड़ा है, ठीक है, एज ए 90s में एक्शन में बात करना। उसके बाद उनका जख्म से वो ऐसे सीरियस कैरेक्टर में आए, फिर सीरियस से बहुत हिट हुए, लेकिन जो विजय पथ का एक्शन से वो भुला नहीं जाते दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों फिर जख्म मूवी, जो फिल्म स्टार्टिंग में लगी फिल्म महेश भट्ट की, ठीक है, भट्ट प्रोडक्शन की, लेकिन वो फिल्म उतर गई, ठीक है। ये फिल्म एक्चुअली मल्टीप्लेक्स थिएटर की थी, ठीक है, और जब जख्म लगी थी तो मल्टीप्लेक्स नहीं थे, जख्म जब आई थी तो मल्टीप्लेक्स नहीं थे भाई, ये सिंगल थिएटर के लायक फिल्म ही नहीं भाई, बहुत बड़ी, यहाँ पर 1000 का सीटेड है, 500-700, वहाँ पर ये जख्म नहीं चलेगी ना, आदमी बोर हो जाएगा, बात करने लगेगा जब बोर सिनेमा आएगी। यह फिल्म 200 सीटर्स मल्टीप्लेक्स पे, तो ये फिल्म छोटी टोटली मल्टीप्लेक्स फिल्म थी जो सिंगल थिएटर के समय आ गए थे, लेकिन जब मल्टीप्लेक्स आए तो इनको जगह मिली और ये दोबारा रिलीज हुई इंडिया में कई जगहों पे, क्योंकि मूवी बहुत अच्छी थी और अवॉर्डेड मूवी थी, ठीक है। जख्म अपहरण, वाह क्या मूवी, क्या लुक, क्या इमोशंस यार। विपाशा बासु जब जाते रहे ट्रेन में, मतलब बस में छोड़ के, और चाय पी जाता है स्टॉल ओढ़ के, एवरी लवर्स फील आ जाता है यार, मतलब वो जा रही है अब उसकी ज़िंदगी से, आप ऐसा फीलिंग कीजिए, वो चाय पी के देख रहा है अपनी लाइफ कहीं और चली गई है, और जिससे वो शादी करना सब कुछ सेट रहता है ना उसकी लाइफ में, अपहरण में तो थानेदार बन जाता है, गर्लफ्रेंड मिलने वाली रहती है, पार्टी कर देता है, लास्ट में दो चा होता है ना उसका बाप, जब वो खोल देता है और वो जाते रहती है, तो वो पेन आप महसूस कर सकते हैं। है दोस्तों, मेरा एक नया गाना आ चुका है, बिल्कुल इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप सुनिएगा। इस गाने का मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा एरियाना डिक्रूज को, भले मैंने हायर नहीं किया है, ये गाना मैंने बनाया है, कंपोज मैंने किया है, क्योंकि मैं गाने बनाता हूँ, मैंने इसमें कम से कम बहुत मेहनत किया है, समझे, मैं कंपोजर भी राइटर भी हूँ, तो इस गाने को आप डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ये टोटल मेरा ही गाना गाया हुआ है और ये इसी से गाया हुआ है, कोई ऑटो ट्यून नहीं है, कोई बड़ा म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक भी यूट्यूब क्रिएटर ऐप से मिलता है, लिया गया जहाँ से मैं फिल्म एडिटिंग करता हूँ, और कुछ नहीं भाई, यहीं रिकॉर्ड किया हूँ इसी टेबल पे, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं इसके बोल पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसके बोल है तेर हिप्स जूनियर बड़े बम्फार जूनियर, ठीक है, ये टैगलाइन है मेरा, शायद आपको पसंद आया तो नीचे लिंक में आप जाके सुन सकते हैं गाना, ठीक है, और से मेरे बहुत से गाने हैं उनके भी लिंक में डाल दूंगा, ठीक है, मैं एज ए बहुत कुछ कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो बताया मजाक कर रहा हूँ। तो ये थी, ठीक है, और फर्स्ट अपन मूवी की बहुत सी बातें हैं जो कभी मैं रिवील करूँगा आपको, अभी टाइम नहीं है उतना। फर्स्ट मूवी जो उनको ब्लैम बुश दी, ब्लैम बुश मतलब अजय देवगन एज ए सेकंड कैटेगरी में आ रहे थे, ठीक है, सलमान खान लीड पे कर रहे थे, ये सेकंड में आ रहे थे हेल्प करने के लिए, ऐश्वर्या राय फिल्म में छोड़ने जा, इस टाइप के रोल्स में आ गए थे, और उनकी फिल्म उतना एवरेज नहीं पकड़ रही थी। फिर दी उन्होंने गंगा जल, जिया एसपी गंगा जल, एसपी का जो रुतबा है ना वो दिखाया, समझे,
रुतबा यार एसपी का, एक वाकई एक पुलिस वाले का जो रुतबा होता है, आईपीएस का जो रुतबा होता है, आईपीएस का जो स्टाइल है, परफेक्ट प्लॉट, प्रकाश झा का डायरेक्शन, फिल्म की कहानी, फ्रेम, एक ये ऐसी मूवी है और अपहरण ऐसी मूवी है जिस मूवी को आप देखेंगे ना तो एक पल के लिए हटेंगे नहीं, इंटरवल में उठेंगे और जल्दी से लेके आ जाएंगे। बाकी मूवी से स्टार्ट होती है ना, बाजू में बात करना स्टार्ट कर देता है आदमी, मोबाइल में खेलते रहता है, गाना नहीं से बाहर निकल जाता है, हमारे यहाँ तो जब गाने आते हैं तो आदमी फट से जलाएगा थिएटर के अंदर चालू, या बाहर निकल जाएगा चालू, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो मतलब ही नहीं फिल्म से, वो तो अपना। लेकिन ये दोस्ती मूवी है अपहरण और गंगा जल, आप एक पल के लिए आप छोड़ नहीं सकते थिएटर से उठने, गर्लफ्रेंड बाजू में रहेगी ना, सुनो ना, अरे रुकना है, सुनो, अरे रुकना, अरे मैं देख ले, मैं जा देता हूँ यार। ये दोनों ऐसी फिल्म थी, एक पल भी नज़र हटती नहीं है, ऐसी बहुत एवरग्रीन फिल्में हैं जैसे DDLJ, एक पल भी नज़र नहीं हटेगी गुप्त। मैं आपको ऐसे 7-9 फिल्म्स बताऊंगा जिस पल से लोग एक पल भी थिएटर छोड़ के ना एक पल भी उठे नहीं, ठीक है, ऐसे ही बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाबा शुक्रिया और शब खैर मेरे दोस्तों, मेरे दो दोस्तों।